देखिए, ये इतनी अच्छी चीज़ है कि आप देख सकते हो कि आप इसे कैसे भी, आपको सनग्लास लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ आपके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और रही बात मैं इसके अंदर पैडिंग्स की बात करूँ, तो पैड, अब आप ये देखिए इस हेलमेट की चीज़ देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है ये हेलमेट गाड़ी के साथ। कि आप ये सोच रहे होंगे इसके अंदर ग्लास क्यों नहीं है, तो कंपनी ने ग्लास ना देने का रीज़न ये है कि आप, तो फ्रेंड्स आज आप लोगों को हम रॉयल एनफील्ड तो आपको बहुत दिखाई है हमने, जैसा कि आज हम आप लोगों को सारे हेलमेट्स की वैरायटीज़ के बारे में बताने वाले हैं, कौन सी गाड़ी के ऊपर आप कौन सा हेलमेट यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके, प्राइस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, मुझे पता है आप सब लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि डिस्काउंट किस पर है कि किस पर नहीं है, तो डोंट वरी, आप लोग जब शोरूम पर लेने के लिए आएंगे तो आपको बेस्ट डील हम इसकी प्रोवाइड करवाएंगे, आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए बिल्कुल। तो आपको मैं आज स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारे पास सबसे बेस प्राइस के अंदर ये आ जाता है हेलमेट, इसे हम हाफ फेस हेलमेट बोलते हैं। आप यहाँ नीचे बफ वगैरह पहन के आराम से लगा सकते हो, ग्लास लगा सकते हो, जो कि आपका समर और विंटर दोनों के अंदर काम देगा। ये ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ समर में ही पहनोगे, आप इसे नॉर्मली कैसे भी यूज़ करके देख सकते हो। कलर्स इसके अंदर आपको मेरे पास डेजर्ट कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, आपकी गाड़ी का जिस हिसाब से कलर आप उस हिसाब से इसे परचेज़ ले सकते हो। और कुछ मेरे पास आज हेलमेट्स के नए स्टॉक आए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये पूरा हेरिटेज लुक के साथ आया है, जिसके अंदर आप अपने बड़े वाले सनग्लासेस लगा करके इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ आपको ये मिलेगा, फ्रंट में ही देख सकते हो रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग है। वहीं अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट आप निश्चिंत रहिए हम आपको उतनी अच्छी डील दे देंगे कि आप इजीली इसे अपने पास परचेज़ कर पाओगे। बाकी अगर मैं आपको ऑफ रोडिंग के लिए हेलमेट चाहिए, तो हेलमेट के लिए मेरे पास एस्केप्ड हेलमेट है, जिसमें आप किसी मड एरिया के अंदर जा रहे हो या कुछ भी हो, तो उसके अंदर मेरे पास इसमें आपको कलर्स ऑप्शन भी मिल जाएगा, वाइट कलर। इसमें आपका क्या है कि जैसे मान लीजिए आप रेन एरिया में जा रहे हो, मड एरिया में जा रहे हो, तो आपके आँखों के ऊपर किसी भी तरीके का डस्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी आपको ये स्क्रैचलेस ग्लास के साथ मिलने वाला है, आप इसमें माउंट वगैरह यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर अपना एयर विंड ब्लास्ट है, जो आप सर में अगर किसी को अगर लगता है गर्मी के टाइम पर अगर वो पहन रहा है, तो इजीली वो हवा एयर पास आराम से होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं आपको आज मेरे जो नए हेलमेट आए हैं अगर उनके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, एक मैं आपको आज इस हेलमेट के बारे में बताने वाला हूं, ये हेलमेट बहुत लोगों की पसंद के साथ कंपनी ने निकाला हुआ है। एक तो आपको इसके अंदर फुल ग्लास मिलता है, दूसरा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हाँ इधर से देखिए, ये इतनी अच्छी चीज़ है कि आप देख सकते हो कि आप इसे कैसे भी, आपको सनग्लास लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ आपके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और रही बात मैं इसके अंदर पैडिंग्स की बात करूँ, तो पैडिंग्स आप देख सकते हो, ये पैडिंग्स जो होती है ये आपकी रिमूवेबल होती है, आप इसे ना आराम से इजीली यहाँ से हटा करके और वॉश कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रॉयल एनफील्ड के ब्रांडिंग के साथ ओरिजिनल हेलमेट आएगा आपका ये भी। प्राइस की मैं अगर बात करूँ तो हेलमेट्स जो प्राइजेज नॉर्मल रहता है वो आपका 2500 से स्टार्ट होकर के 7000 तक के हेलमेट मेरे पास अवेलेबल है। कलर्स की वैरायटीज़ आप देख सकते हैं, ऊपर मेरे पास ब्लैक, आपके रॉयल एनफील्ड का मेड लाइक है गन में, जैसे आपका ये वाला है 1901 जब से रॉयल एनफील्ड आया है, और आपका डेजर्ट कलर के अंदर हो गया, डेजर्ट कलर के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ, डेजर्ट कलर के अंदर भी आपको विंड ब्लास्ट वगैरह का सब कुछ मिलेगा, पैडिंग्स वगैरह आप रिमूवेबल कर सकते हो, इसकी भी वॉशेबल है, आपको लग रहा है कि गंदा हो गया थोड़ा, कहीं स्मेल आ रहा है जो भी है, माउंट वगैरह आप इजीली यूज़ कर पाओगे, यहाँ से आपको एयर पास का ऑप्शन मिल जाता है ताकि आपकी एयर वगैरह पास आती रहे, ठीक है। अगर मैं आपको और अच्छे हेलमेट के अंदर दिखाऊं, मेरे पास डिज़ाइन और पैटर्न्स काफ़ी सारे हैं, यहाँ इसके अंदर आपको एयर के लिए यहाँ से ऐसे, ये छोटा सा है बट ये एयर काफ़ी अच्छी दे देता है, ठीक है। ये फुल पैक हेलमेट आता है, जो लोग राइडर्स वगैरह यूज़ करते हैं आराम से, आप गाड़ी के लिए देख सकते हो, जैसे हमारे पास क्लासिक के अंदर मार्श ग्रे आती है, थोड़ा सा ग्रीन टच के साथ आता है, आपको मैं गाड़ी के साथ दिखा के और बता देता हूँ, जैसे ये मेरा गाड़ी खड़ा है मार्श ग्रे, इसी कलर का आप हेलमेट आराम से इजीली परचेज़ कर सकते हो, आप इसे देख सकते हो गाड़ी का पूरा किस तरीके से, तो ये गाड़ी के कलर के साथ ही मैच हो जाएगा। एक मैं आपको डेजर्ट कलर का भी एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, अब मान लीजिए किसी को पसंद नहीं है कि वो हाफ फेस पहने, उसे फुल फेस चाहिए, तो वहीं मैं आपको इसके साथ डेजर्ट वाला दिखा देता हूँ। अब आप ये देखिए इस हेलमेट की चीज़ देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है ये हेलमेट गाड़ी के साथ। अब ब्लैक कलर तो कॉमन आता ही है आपका, आपको अगर मान लीजिए किसी के पास मान लीजिए रेड कलर का बाइक है, तो रेड कलर की बाइक के साथ आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो, देखिए ये देखिए ये देखिए। अगर हेलमेट्स की मैं वेट की बात करूं तो वेट आपका 1000 ग्राम से स्टार्ट होकर के 1300 ग्राम तक इजीली ये आपका हेलमेट्स का वेट हो जाता है नॉर्मली। बाकी तो आपको पता है हेलमेट जितनी अच्छी क्वालिटी का लेंगे थोड़ा सा वेट तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। कंपनी ने
हेलमेट की इतनी वैरायटी इस समय दे रखी है, किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसकी गाड़ी का, चाहे कलर हो, चाहे उसको अपने किस तरीके से यूज़ में लेना है, डेली यूज़ में लेना है। पहले कंपनी फुल फेस दिया करती थी, हाफ़ फेस भी दिया करती थी, बट अब कंपनी ने इतनी वैरायटीज़ निकाल दी हैं कि वो किसी कस्टमर के लिए ऐसा नहीं है कि उसके पास ऑप्शन नहीं हो। सारे के सारे हेलमेट्स इस समय मेरे पास अवेलेबल है, आप आराम से आइए, परचेज़ करिए, जो बेस्ट डील होगा आपको ज़रूर दिया जाएगा। ये हेलमेट आपका एक स्पेशल एडिशन के लिए समझ सकते हैं, जो थोड़ा हेरिटेज लुक के अंदर दिया हुआ है, लेदर का वर्क किया गया है, आप देख सकते हैं स्टिचेस वगैरह, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। वहीं मैं आपके आप ये सोच रहे होंगे इसके अंदर ग्लास क्यों नहीं है, तो कंपनी ने ग्लास ना देने का रीज़न ये है कि आप इसमें सन ग्लासेस वगैरह पहन के राइड करते हुए, मौसम को इन्जॉय करते हुए, या बड़े वाले जो राइडर्स के जो ग्लासेस आते हैं फुल पैक वाले, आप उनको यूज़ कर सकते हो। वहीं मैंने आपको बताया जैसे कि पैडिंग्स इसकी रिमूवेबल है, आप आराम से इसको वॉश कर सकते हो अगर ये गंदा हो जाता है तो, ठीक है। बाकी आप लुकिंग वगैरह इसकी आराम से चेक कर सकते हो, ISI हॉलमार्क होगा, डॉट अप्रूव्ड होगा, आप यहाँ पीछे आराम से अपने कुछ भी चीज़ को कैरी कर सकते हो। जैसा आपको ग्लास वगैरह लगाना है तो इजीली आप इसे चिट बटन के थ्रू यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हो। डॉट अप्रूव्ड है, आप देख सकते हो, जो कि सर्टिफाइड है हमारे सारे के सारे हेलमेट, साथ में आपको ISI हॉलमार्क भी मिलता है। तो वहीं उसी के साथ अब आप पसंद करिए और देखते हैं आप कौन सा वाला हेलमेट लेने के लिए आते हैं। बेसिकली एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मेरे पास एक कमेंट भी आया कि उन्होंने पूछा है कि भैया रॉयल एनफील्ड जो अब हेलमेट्स देता है बाइक के साथ उसमें वाइज़र आता है नहीं आता, तो मैं बताना चाहूँगा जी वाइज़र नहीं आता है। एंड सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आज से आप 3 से 4 साल पहले अगर आपने कभी बाइक परचेज़ किया रॉयल एनफील्ड की, तो पहले क्या करता था रॉयल एनफील्ड, आप जैसी बाइक ले रहे हो, मैं दिखाना चाहूँगा, आप जैसे मार्च गियर ले रहे हो, डेजर्ट सैन ले रहे हो, फिर आप स्टिल्ट ब्लैक ले रहे हो, तो आपको वैसा ही हेलमेट मिलेगा। बट बेसिकली अब ऐसा नहीं होता, अब आप चाहे कोई भी बाइक लो, चाहे आप सुपर मीटर 650 बाइक करें, चाहे आप इंटरसेप्टर 650 बाइक करें, आपको सिर्फ एक ब्लैक कलर का हेलमेट मिलेगा, उसमें आपको वाइजर नहीं मिलेगा, वाइजर आपको अलग से लगवाना होता है। एंड आप बेसिकली पीछे से सारे मॉडल्स देख सकते हो, आपने सारे हेलमेट्स के मॉडल्स मैंने आपको शो कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलना। सो मिलेंगे फिर एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक एंड लव यू ऑल।